मात्र 3 टीचर थे उस समय जो भिलाई को एजुकेशन हब बनाया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन एक दिन हम बराबर कर लेंगे अगर मेहनत हमारा इसी तरह से लगा रहे। नम्रता मैडम आई हैं और नम्रता जैन मेरी केपीएस की पास आउट स्टूडेंट है जो आईएएस ऑफिसर करके यही पोस्टेड है आपका छत्तीसगढ़ में। ये जो एरिया है, ये कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो एक सेंट्रल एरिया बनेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आगे बढ़ते जाऊंगा। एक दिन मेरे बच्चे ऐसी दुनिया में रहेंगे जो उत्पीड़न और दुख से रहित होगी। एक आईआईटी शिक्षक के रूप में जिनको अच्छी तरह जाना जाता है, शिक्षा जगत में भी उन्होंने अपना काफी लोहा मनवाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आनंद त्रिपाठी सर की। ये बीएसपी में रसायन शास्त्र के व्याख्याता रहे हैं। मतलब कहना चाहिए कि एजुकेशन हब भिलाई को एजुकेशन हब कहलाने के लिए इनका एक अहम योगदान रहा है। लोगों की मांग पर कृष्णा कोचिंग तो प्रारंभ किया था, फिर बाद में लोगों की मांग पर कृष्णा स्कूल की भी स्थापना इन्होंने की और आज शिक्षा का अलग जगाते हुए एक अपनी पहचान शिक्षा जगत में बना रखे हैं। तो आपको सबसे पहले हम उनसे मिलाते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप रसायन शास्त्र के व्याख्याता रहे हैं बीएसपी में, इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, उसके बाद आपने कोचिंग क्लास कैसे प्रारंभ की? कोचिंग क्लास तो शुरू कर दिया था, बाद में मैं सेक्टर 10 पोस्टेड हुआ और एक यहाँ का माहौल जो शुरू में था, हम देखे, हम लोगों ने एक आईआईटी हब इस तरह से तैयार किया कि सेक्टर 10 स्कूल, और वहाँ पर हमें मात्र 3 टीचर थे उस समय जो भिलाई को एजुकेशन हब बनाया, और उन 3 टीचर्स के समय जो रिजल्ट हम लोगों ने दिया, 2 बार फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद विद इन 100 कम से कम 7-8 बच्चे रहते थे एक सेक्शन से, करीब करीब 27-28 बच्चे सिलेक्शन होता था जिनकी पोजीशन 2, 5, 11, 18, 49th रैंक, और नंबर ऑफ सीट उस समय 750 था मैडम टोटल सीट, जिसमें जनरल में करीब करीब मैं समझता हूँ 400 या 500 थे, उसमें टॉप 100 में कम से कम हर साल हम लोग 5 या 7 लोग दे देते थे, और एक सेक्शन से 27-28 बच्चे का सिलेक्शन होता था। तो एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ कि आईआईटी टीम आ गई यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए कि यहाँ पे क्यों इतना सिलेक्शन होता है। मैं डे बाय डे देखता हूँ कि जैसे जैसे टीचर्स बढ़ते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई, बाहर के लोगों ने एक इसको प्रोफेशनल बना लिया, और जब प्रोफेशनल बना लिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो गए इतने ह्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है, मैं आपको मतलब आज तक न वैसा रिजल्ट किसी ने दिया है न किसी ने लिया है। इसका मेन कारण है लड़के स्टूडेंट्स हिमसेल्फ दे कंफ्यूज्ड, वो खुद में कंफ्यूज्ड है, और इसको एक एजुकेशन को बाजार नहीं बनाना है हमको। हमारा एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन खत्म होते जा रहा है बच्चों से, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता था कि हम मतलब अभी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन लोग बना रहे हैं, लेकिन उसको दूसरे ढंग से इमोशनल हमारा मतलब एक रहता था बच्चों के साथ। लोगों ने व्यवसाय छोड़, व्यापार छोड़, उसको पैसा कमाने का जरिया बना रखा है, बना लिया। आपका मैंने लेख भी पढ़ा, उसमें लिखा भी है, आपने बखूबी लिखा है कि पैसा कमाना ही मेरा ध्येय नहीं, एक बेहतर शिक्षा देना, समाज के लिए काम करना है। मुझे अगर समाज के लिए नहीं काम करना है, मैं आपको बता दूं, कसम खाता हूं इस शहर को, और आज तक ये हकीकत है कि क्यों कृष्णा पब्लिक स्कूल बढ़ा, क्यों कृष्णा कोचिंग बढ़ा, क्योंकि हमने एक स्कूल से दो जो पैसा मिलता था, 4 कमरे बनाते थे, 5 कमरे बनाते थे, और उससे हमारी जो इस चार दीवारी के अंदर जो पढ़ाता था वो बातें बाहर जाती थी, इसलिए केपीएस हो, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो कुछ भी है वो आगे आ रहा है। दर्शकों को अच्छी तरह पता है कि राज्य के विभिन्न जिलों में केपीएस स्कूल ने अपनी पैर जमा रखी है, बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, उन सबको किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्योंकि एक बड़ा सर्कल तैयार होता है प्रदेश भर। बहुत ज्यादा सर्कल है,
तो देखिए इसमें क्या होगा कि कभी भी कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो एक उसकी सीरीज होती है। जैसे मान लीजिए मैं चेयरमैन हूँ, उसके नीचे लोग हैं, एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर में ये लोग हैं, और उसके बीच बीच में जो हम लोग गाइडलाइन देते हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, उसको उस तरह से तैयारी करते हैं। और भगवान ऊपर वाले की कृपा है कि ये चीज़ें आज, वरना एक मास्टर मैं था, मास्टर हूँ, और ईश्वर से ये मनाता हूँ कि मास्टर रह करके मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम इस वक्त जो है कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं, जब इसका शुभारंभ हुआ था तब भी मैं यहाँ आई थी, और एक फिल्म थी पीके या और नहीं सॉरी मैं गलत हूँ थ्री इडियट्स थी। हाँ। उसमें जो एक माहौल था उसकी आमिर खान और उसकी फिल्म थी ये, तो वैसा यहाँ पर मैंने जज किया देखा। हाँ। एक उस तरह का माहौल यहाँ पर मुझे नजर आया। इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या योगदान है, क्योंकि आपने ये भी जज्बा किया हुआ है कि सिर्फ शिक्षा नहीं बेहतर रोजगार, बेहतर तो इसका क्या ध्येय है? तो हमारे यहाँ के देखिये कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं मानता हूँ कि थोड़ी गवर्नमेंट जो है, मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक शिकायत मेरी यही है कि यूपी, बिहार, इवन हमारे जो पड़ोसी राज्य एमपी, इनमें जो स्कॉलरशिप है वो आप ये देखिए 70-80 हजार से ऊपर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे इसी इंजीनियर को यह 23 हजार रुपये भी स्कॉलरशिप नहीं देता है। एक मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको वो बढ़ा दे कि जिससे इंजीनियरिंग की तरफ लोग, जो बच्चे यहाँ से भाग रहे हैं बाहर, वो इंजीनियरिंग के यहाँ के रुक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ का एक जैसे स्कूल लेवल पर है उसी लेवल पर कॉलेज लेवल चला जाएगा। शासन आपकी इन बातों को जरूर गौर फरमाएगा ऐसा हम सोचते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको शासन तक उनकी आवाज को पहुंचाइए। आपके जो स्कूल है बेहतर रिजल्ट लाते हुए काफी अच्छा अपना परचम इस बार भी लहराया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कृष्णा पब्लिक स्कूल, पूर्व ही मैंने मैडम से बात की थी, सविता मैडम से, तो कृष्णा स्कूल का नाम कृष्णा कैसे पड़ा, ये उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। हाँ, कृष्णा एक संयोग था, आपको बता दूं, वैसे मेरी भाभी जी है कृष्णा, और रियली बता दूं तो पहले भगवान कृष्णा को ही माना, आप ये देखेंगे सामने फोटो भी है। तो एक संयोग था कि कृष्णा है, और चूंकि कृष्णा भगवान थे और भाभी भी कृष्णा थी, तो एक ये संयोग की बात है कि दोनों एक दूसरे से मिल गए। और विभिन्न स्कूलों में जो शिक्षा को लेकर के जो व्यवसाय छोड़ उसको व्यापार बना के पैसा कमाने का जरिया बना लिया, आए दिन ऐसे प्रदर्शन भी देखे जाते हैं लोगों के और पेरेंट्स के, और या फिर संस्थाएं भी करती है, उनके लिए आपका क्या मानना है? मैं देखिए किसी संस्था के बारे में तो नहीं कह सकता कुछ भी, मतलब क्योंकि हर संस्था अपने आप में भाई जो कुछ भी है उनके खुद के प्रॉब्लम है, खुद के ये है, लेकिन जो स्कूल एजुकेशन है, अगर बच्चे स्कूल में न पढ़ करके कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो वो स्पॉइल हो रहे हैं। अभी हाल ही में रायपुर के दो स्कूल को सीबीएसई ने डीएफिलिएट कर दिया है, यहाँ भी तमाम सारे ऐसे स्कूल हैं, आप पता लगाइए, मैं नाम नहीं जान बताता, नाम न जानता हूं, क्योंकि यहाँ भी क्या है जो डमी एक क्लास चालू हो गया है कि लड़के एडमिशन ले रहे हैं ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में ले रहे हैं, लेकिन पढ़ कहीं बाहर रहे हैं, और घर का जो स्कूल इन्वायरमेंट जो होता है वही सब कुछ देता है, वरना इतने बड़े बड़े हैं, बिरला के लड़के हैं, टाटा के लड़के हैं, स्कूल ना जाएं, अमिताभ बच्चन अगर स्कूल नहीं गया होता आपको बता दूं तो क्या अमिताभ बनता? लेकिन आज की पोजीशन में बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, इसके लिए तो सीबीएसई पीछे पड़ी हुई है और ऐसे ऐसे स्कूलों को डीएफिलिएट भी कर रही है। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या क्या शामिल है, सब्जेक्ट कौन से शामिल हैं? यहाँ पर के लिए अगर देखा मेरे का कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल और मैकेनिकल, ये चार किस तरह के स्टूडेंट यहाँ पर हैं? और अभी जो लगभग 3 वर्ष हो चुके होंगे इसके। हाँ, ये हो चुका है मैडम, काफी नाम कैसे आते हैं? मतलब कोरोना के पहले तो हमारा रिजल्ट, आप ही बताइए, रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ आपको, लड़की हमारी फर्स्ट पोजिशन रैंक होल्डर थी यहाँ की, लेकिन बीच में जो कोरोना आया तो उसमें एडमिशन इतना ड्रॉप आउट हो गया, इतना कम हो गया, आपको बता दूं कि टोटल
छत्तीसगढ़ में 3600 एडमिशन है, और अगर 3600 एडमिशन है तो जिसमें आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट 3-4 कॉलेज है वहीं चले जाएंगे, कुछ जो बड़े बड़े यहाँ पर हैं मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके यहाँ चले गए, तो वो माहौल नहीं बन पा रहा इंजीनियरिंग का, आपको बता दूं। लेकिन ये ईश्वर है, वो जो मेहनत है, देखिए हर आदमी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन एक दिन हम बराबर कर लेंगे अगर मेहनत हमारा इसी तरह से लगा रहेगा। वो पल कैसा फील होता है आपको, वो पल कैसा लगता है आपको, प्रदेश भर में स्कूल तो है आपकी, आपके पढ़ाए स्टूडेंट आज कहीं अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, उच्च पदों पर हैं, आपका सामना जब उनसे होता है, जब पैर छूते हैं, आई फील प्राउड, शिक्षा मिलता है, आई फील प्राउड। मैं अभी एक दिन ऑफिस में गया था, तो उस ऑफिस में जो मेन थे हेड, उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा यहाँ पर कौन है DDU में, मैं आपको बताऊं, तो ये बोली कि अभी वो नम्रता मैडम आई हैं, और नम्रता जैन मेरी KPS की पास आउट स्टूडेंट है, जो IAS ऑफिसर करके यही पोस्टेड है आपका छत्तीसगढ़ में। तो एक अजीब होता है, जब अमेरिका गया तो तमाम सारे बच्चे मेरे आ गए एयरपोर्ट पर सामान लेने, तो कहीं भी जाते हैं बच्चे मिलते हैं, बच्चे स्टूडेंट आते हैं, कहीं कहीं तो रहता ही है, और ये रहली बात है कि शायद उनके पेरेंट्स को उतना खुशी नहीं होगी जितना हम टीचर्स को होता है। IIT की सौगात बिटवीन सिटी को मिली है और चंद कदमों की दूरी पर ही कुटेला भाटा में है, तो उससे कितना प्रभावित हुआ है? मैं डायरेक्टर साहब से मिला था, वहाँ पे जाकर के खुद ही हम लोग गए थे, और उन्होंने पूरे कोऑपरेशन के लिए कहा कि जिस टाइप का कोऑपरेशन चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और उनकी छाया रहेगी, छत्र छाया रहेगी, हम दोनों अगर आपस में हैं तो नेचुरली एक आने वाला एक प्रॉब्लम यहाँ है जो मैं खुद में फील करता हूँ। आप देखिए होंगे आते वक्त रोड नहीं है, रोड है लेकिन वो रोड अलाउ नहीं कर रहा है, कोई प्राइवेट पर्सन है जो अपना रोड बना के रखा है, लेकिन सीधे आपको वहां पर ये जो मॉल है मॉल से सीधे आइए तो यहाँ कॉलेज आ जाएंगे, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहा है, तो एक समस्या है रोड का सिस्टम है, और यहाँ सीधे कुटेला बटा जाएगा वो, और रोड बना हुआ है आप खुद ही जाके चेक कर सकती हैं। दिक्कत क्या है सर? बस एक विजुअल उनके चूंकि जमीन पर है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलोनी है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को तो कम से कम इस चीज को रिटर्न दे देना चाहिए कि उसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हर ये नियम होता है टाउन कंट्री प्लानिंग तभी पास करता है जबकि दो रोड तुम दोगे। तो ये आपों से गुजारिश है कि इसको शुरुआत करिए, करवाइए हैं, और मैं जानता हूं कि ये आने वाला कल में ये जो एरिया है, ये कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो एक सेंट्रल एरिया बनेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है, समझ गए। और लाइफ में एक ही चीज मुझे जिंदगी के मकसद दिया है कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आगे बढ़ते जाऊंगा। इस सीन के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे जो घर बैठे आपको देख रहे हैं? अच्छा, ये बस मेरा ये है कि मैं एक कुछ चीज़ें शुरू कर रहा हूँ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जुलाई से, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि IIT और नीट की परीक्षाएं यहाँ पर तैयार करो, और आप लोग मेरे पर विश्वास करके आप लोग भेजिए बच्चों को, कोई उसमें फीस उसकी बात नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, जो मेरी सेवा होगी मैं देने के लिए तत्पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थे आनंद त्रिपाठी सर, IIT शिक्षक के रूप में लोकप्रिय हैं, और इन्होंने अभी चंद लफ्जों में बयां किया है कि मैं मंजिल की तरफ लगातार बढ़ता रहा, कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। ऐसे ये लगातार लंबी रेस चलते रहें और अपने बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा देते रहें, उनका भविष्य बनाते रहें। तो सर थे आनंद त्रिपाठी सर, जी हाँ, IIT शिक्षक के रूप में जाने पहचानते हैं, लोकप्रिय हैं, और दूसरा रसायन शास्त्र व्याख्याता रहे हैं BSP स्कूल में, और अभी वर्तमान में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज की ये चेयरपर्सन हैं। हमसे उन्होंने चर्चा की, काफ़ी जानकारियाँ दी और बताया कि बच्चों के भविष्य को किस तरह ये उज्ज्वल बनाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एसी न्यूज़।